इस खूबसूरती और इस चेहरे की अदाओं पर मत जाइए। खूबसूरत सी दिखने वाली इस बाला को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार किया गया है। इंदौर की कातिल हसीना, जिसे इंदौर का नाइट कल्चर पसंद है, रात के साए में यह भी अपने दोस्तों के साथ घूम रही थी, लेकिन इसके बाद क्या हुआ पूरा शहर जानता है। इस हसीना और उसके साथियों ने एक बीटेक के युवक की हत्या कर दी और उसके बाद पुलिस को भी सूचना देकर सभी ने सरेंडर कर दिया। इंदौर के नाइट कल्चर को लेकर विधायक से लेकर सांसद और आम जन सब विरोध कर चुके हैं। रोजाना मारपीट, हत्या जैसे प्रकरण भी सामने आ रहे हैं और पुलिस इन सब पर अंकुश लगाने में नाकामयाब ही रही है। हत्या की यह वारदात इंदौर के सबसे चर्चित क्षेत्र और नाइट लाइफ में युवाओं के लिए मौज का अड्डा माने जाने वाले विजयनगर थाना क्षेत्र की है। थाना यहाँ से महज कुछ ही कदमों की दूरी पर है। अब आपको बता दें कि आखिर हुआ क्या था। मोनू उर्फ प्रभास, रचित एवं अन्य कुछ दोस्तों उज्जैन महाकाल मंदिर के लिए निकले थे। इस दौरान चाय पीने के लिए रुक गए। इसी दौरान एक्टिवा पर सवार युवती तान्या अपने अन्य साथियों के साथ घूम रही थी। दरअसल तान्या की कार सवार टीटू से पहले से दोस्ती थी। जब टीटू ने उसे एक्टिवा सवार युवक शोभित और छोटू के साथ घूमते हुए देखा तो कार सवार युवक रचित, टीटू और मोनू उर्फ प्रभास सहित अन्य युवकों ने उसको लेकर युवती पर कमेंट किया, जिसको लेकर एक्टिव वहाँ पर शोभित, छोटू और तान्या ने कार सवार युवक को पहले रोका। उसके बाद दोनों पक्षों में विवाद हुआ। उसके बाद तान्या ने टीटू और रचित पर चाकू निकालकर हमला कर दिया, लेकिन रचित और टीटू के बच जाने के बाद दूसरा हमला उन्होंने प्रभास उर्फ मोनू पर किया। इसी दौरान उसको चाकू लग गया और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। फिलहाल पूरे मामले में पुलिस के सामने तीनों आरोपियों ने सरेंडर भी कर दिया है। तान्या, शोभित और छोटू को भी पकड़ने की बात कही जा रही है। इसमें टोटल जो है देर रात कल जो है विजयनगर थाने पर एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें करीब 3:30-4 की बात है। एक फोर व्हीलर थी, उसमें 5 लड़के बैठे हुए थे और एक दूसरी एक स्कूटी थी जिसमें एक लड़की और 3 लड़के थे। तो स्कूटी वाले ने जो है वो इस कार के आगे जो अपनी स्कूटी लगाई और कार पे बैठे जो एक व्यक्ति जो है दो व्यक्ति थे, इनका एक का नाम रचित है और दूसरा का नाम मोनू है। तो पहले रचित पे एक वार किया गया। रचित जो है उसको लकली वो उसको ज़्यादा चोटें नहीं आई उस वार में। उसके बाद फिर जो है पीछे बैठे लड़के जो मोनू, उस पर जो है जान मारने की नीयत से चाकू से हमला किया गया। इसके मोनू को जो है जो हार्ट के पास है वहाँ पर चाकू लगी और उसके बाद फिर उसको हॉस्पिटल ले जाया गया, भंडारी हॉस्पिटल दोस्तों के द्वारा उसके, जहां पर उसको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर किया। उसके बाद फिर उसको MVIH भेजा गया। सर कुछ बात आई किस बात को लेकर विवाद हुआ और इसमें एक लड़की जो आरोपिया है उनका नाम तान्या है, तो और उसके 3 अन्य साथी हैं उसके साथ आरोपी। तो ये जो आरोपिया है ये उन कार में बैठे जो 2 लड़के थे उनको पहले से उनका दोस्ती था, पहले से उनका जान पहचान था। और उसके बाद फिर जो है अभी इनका जो है बातचीत वगैरह आपस में कम हो गया था, दोनों जो कार में बैठे व्यक्ति हैं उनसे बातचीत जो है कम हो गया था। और जो है अभी वो कल जो है कल रात किसी 3 अन्य व्यक्ति के साथ स्कूटी पर बैठ के जा रही थी, तो इसी बात को लेकर के इनका आपस में विवाद हुआ। और उसके बाद फिर जो आरोपिया के साथ जो लड़के थे उन्होंने उनके पास चाकू था, उन्होंने चाकू निकाल करके फिर चाकू से हमला किया। तो कोर्ट में भी मामले दर्ज हैं इन आरोपियों पे। इसमें एक आरोपी जो है वो इंदौर का ही रहने वाला है, नंदा नगर परदेशीपुरा थाना क्षेत्र का रहने वाला है। उसके खिलाफ अभी तक 3 आपराधिक प्रकरण पता चले हैं, 2 परदेशीपुरा के ही और एक जो है लसुड़िया थाने के। बाकी उसकी जो है अन्य रिकॉर्ड की तस्दीक की जा रही है और बाकी जो सभी अपराधियों के एक आरोपी को पुलिस ने भी गिरफ्तार कर लिया। जो आरोपियां हैं मुख्य जो है जिनका नाम तान्या है उनको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है बाकी आरोपियों के बारे में।